सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज की इस बहुत ही खूबसूरत और आशीषों से भरी विशाम। जी हाँ, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ मेरी और आपकी जिंदगी में। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो अपनी आशीषों और बरकतों को बनाए रखा है, हम हर दिन और हर पल मेरे प्रियो इस बात के लिए अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। यूं तो प्रभु ने मेरे और आपकी जिंदगी में न जाने कितनी ऐसी बातें रखी हैं। अगर सुबह से लेकर शाम तक हम देखने जाएं मेरे प्रियो और हम गिनने जाएं तो उनकी गिनती नहीं हो सकती, वचन कहता है। परमेश्वर को मैं दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ आज के इस बहुत ही खूबसूरत समय के लिए, जबकि मेरे और आपके लिए जो परमेश्वर ने ठहराया मेरे प्रियो कि हम अपनी जिंदगी की तमाम बातों को छोड़कर, अपनी चिंताओं को छोड़कर, सांसारिक बातों से दरकिनार होकर एक कुछ खास समय, जी हाँ कुछ खास समय अपने परमेश्वर के साथ वचन की संगति करने के लिए गुजारते हैं, निकालते हैं और ये समय हम प्रभु की उपस्थिति में बिताते हैं। तो सचमुच मेरे प्रियो, इसलिए मैंने शुरुआत आशीष से की, आशीष की बातों से की, क्योंकि जहां प्रभु का वचन है, जहां परमेश्वर के साथ संगति है, जहां प्रभु के साथ नजदीकी है, वहीं पर आशीषों की शुरुआत हो जाती है। परमेश्वर को मैं दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो कि प्रभु आपको और मुझको ये बहुत ही खूबसूरत मौका देते हैं जहां पर मैं और आप अपने परमेश्वर के वचन के करीब आते हैं, प्रभु के करीब आते हैं, परमेश्वर के दिल के बेहद बेहद करीब आते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश बड़ाई और प्रशंसा हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, सचमुच एक बहुत ही खूबसूरत और खास समय मेरे प्रियो प्रभु आपको और मुझको देता है। इसीलिए प्रभु का वचन भजन 19 के अंदर में कहता है कि यहोवा की व्यवस्था क्या है, खरी है। वचन यहाँ कहता है यहोवा की व्यवस्था सिद्ध है, वे प्राण को बहाल कर देती है, और यहोवा के साक्ष्य विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, ना सिर्फ परमेश्वर के वचन की निकटता में आपको और मुझको आशीष मिलती है, ना सिर्फ परमेश्वर की निकटता में आपको और मुझको शांति मिलती है, पर प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के वचन के करीब जब मैं और आप आते हैं मेरे प्रियो, ये आपके और मेरे प्राणों को बहाल करती है, और सबसे खूबसूरत और खास बात जो मुझको और आपको संसार से अलग बनाती है, और वो ये है कि आपको और मुझको प्रभु का वचन बुद्धिमान बना देता है। जी हाँ, तो बहुत ही खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के करीब आना। वचन कहता है कि ज्ञान के द्वारा जो है वो घर बनता है, और समझ के द्वारा उसके अंदर कोठरियों में जो है उत्तम उत्तम पदार्थ होते हैं, है ना, यानी उत्तम उत्तम चीजें होती हैं, उत्तम चीजों से भर जाती है कोठरियां। तो जी हाँ मेरे प्रियो, जहां परमेश्वर का वचन है उसके साथ साथ आशीषें जुड़ी हैं, उसके साथ बुद्धिमानी जुड़ी हुई है, और एक बात के लिए हम प्रभु को शुक्रगुजारी करना छोड़ नहीं सकते, उसको भूल नहीं सकते, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो ये है मेरे प्रियो कि पिता ने आपको और मुझको अपने करीब आने दिया है। जी हाँ, मैं कभी कभी सोचती हूँ इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह का नाम सुना है, लेकिन मेरे प्रियो हर कोई यीशु के करीब नहीं है, हर कोई प्रभु के नजदीक नहीं है, और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है वे जिन्हें तो चुनकर अपने समीप आने देता है। और परमेश्वर ने कहा कि कोई भी बिना मेरी मर्जी के मेरे करीब नहीं आ सकता। परमेश्वर को दिल की मैं बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ, मैं और आप उन धन्य लोगों में से गिने गए हैं जो कि परमेश्वर के करीब लाए गए हैं, अपनी मर्जी से नहीं, अपने विचारों से नहीं, अपनी सोच से नहीं, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी मर्जी से, बिना मेरी मर्जी के कोई भी मेरे समीप नहीं आ सकता। और परमेश्वर की इच्छा ये है मेरे प्रियो कि मैं और आप अपने पिता के साथ संगति करें, और परमेश्वर ने एक बहुत ही खूबसूरत जरिया मेरे और आपके सामने दिया है। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पेज के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है, जिसके द्वारा प्रभु का काम हो रहा है और प्रभु की महिमा हो रही है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं ब्रदर आशीष के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, प्रभु पूरे परिवार सहित, पूरे घराने सहित उन्हें आशीषित करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। उनकी पूरी टीम के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ जो शायद प्रत्यक्ष होकर के तो नहीं सामने है, लेकिन
प्रभु के काम को बड़ी ही प्रेम और समर्पण के साथ करते हैं। परमेश्वर उनको उनके परिवार के सहित आशीषित करें और मेरे साथ जुड़ने वाले हमारे सभी भाइयों और बहनों के लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है मेरे प्रियो कि मैं और आप अपने पिता के करीब आते हैं। ये मुझको और आपको बहुत खास बनाता है, ये आपको और मुझको बुद्धिमान बनाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम बहुत ही छोटी सी प्रार्थना के साथ अपने परमेश्वर के वचन के करीब आए, क्योंकि आज प्रभु आपको और मुझको अपनी खूबसूरत बातों से, इस बहुमूल्य धन से हम पात्रों को भर देने जा रहा है। इस मिट्टी के पात्र को परमेश्वर अपने बहुमूल्य धन से, जी हाँ, उससे परिपूर्ण करने जा रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम बहुत ही छोटी सी प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन की हुजूरी में जाएंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु, धन्यवाद ये दिल लेकर आपके सम्मुख आती हूँ इस खूबसूरत शाम के लिए प्रभु, जो आप हमारी जिंदगी में देते हैं पिता, कि हम आपके वचन के करीब आए प्रभु। आपने चुनकर हमें अपने करीब आने दिया है पिता, दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपका एक एक वचन ताया हुआ है प्रभु, जो हमारे जीवन को प्रभु खुशहाल बनाता है पिता, हमारे प्राणों को बहाल करता है प्रभु, खुशहाली के उस स्तर पर ले जाता है जो संसार की बातें हमें नहीं दे सकती पिता। मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देती हूँ पिता, क्योंकि आपके वचन के करीब आना प्रभु हमारी जिंदगी में शांति को, आनंद को, आशीष को और भरपूरी को लेकर के आता है। अब हम उस भरपूरी में प्रवेश करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से भर दीजिएगा प्रभु हम में से हर एक को प्रभु। एक एक शब्द, एक एक बातें प्रभु, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में हो प्रभु, और हमें सुनने वाले कान और समझ लेने वाला मन दे दीजिएगा, कि ताकि जब आज आपके वचन को हम लेते हैं प्रभु अपने जीवन में, उस भरपूरी के स्तर पर पहुंचाया जाए पिता, और तेरे नाम की महिमा होने पाए। सारी तारीफ, प्रशंसा, आदर और महिमा मैं यीशु मसीह आपको देती हूँ पिता। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, यीशु के नाम से इस विनती को मांगती हूँ, आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बहुत बहुत महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। एक बहुत ही खूबसूरत सी बात अय्यूब अपनी पुस्तक के अंदर में लिखते हैं। जी हाँ, अय्यूब की पुस्तक 23:10, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, Job 23:10 यहाँ लिखा है, वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। कितनी खूबसूरत बात है, एक सुनार जब किसी सोने या चांदी को गलाता है, उसको पिघलाता है, उसको पिघलाने के स्तर की गर्मी देता है, तब मैं और आप जानते हैं मेरे प्रियो, उसमें से सारी अशुद्धता दूर होती है, उसमें से सारी इम्प्यूरिटीज दूर होती है जो उसे मूल्यहीन बना रही है। लेकिन जब सुनार उस सोने को ता लेता है, जब उसे परख लेता है, तो वो सोना जो होता है बहुत ही वैल्यूबल हो जाता है। जी हाँ, हमारी नजर में वो वैल्यूबल हो जाता है, खरीदारी के लिए वो तैयार हो जाता है। तो वैसे ही मेरी प्रियो, परमेश्वर के दास एक खूबसूरत बात कहते हैं कि जब वो मुझे ता लेगा। जी हाँ, परमेश्वर के द्वारा ताया जाना बहुत ही खूबसूरत बात है, और वचन कहता है कि जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के द्वारा ताए जाते हैं, तो वचन कहता है कि वो सोने के समान हो जाते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है परमेश्वर की दृष्टि में, आत्मिक दृष्टिकोण से, सांसारिक बातों में। हर एक स्तर पर प्रभु हमें ऊंचा स्थान देता है, वो निखरापन, वो खरापन परमेश्वर आप में और मुझ में देता है मेरे प्रियो, और इस कदर आपको और मुझको खरा बनाता है कि मेरी और आपकी वैल्यू लोगों की नजर में, समझ में आने लगती है। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और यही वो बात है मेरे प्रियो जो आपको और मुझको खास बनाती है, यानी परमेश्वर के जरिए ताया जाना, परमेश्वर के द्वारा मेरी और आपकी परख का होना मेरे प्रियो, जो आपको और मुझको बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य बनाते हैं, हमें कीमती बना देता है, हमें प्रीशियस बना देता है। मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और जब मैं और आप मेरी प्रियो पहला पत्रस उसका 1:7 को देखेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है
कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, इसी परख की बात मेरे प्रियो प्रभु का वचन आपके और मेरे जीवन में रखता है। जब परमेश्वर का वचन मेरे और आपकी जिंदगी में आता है मेरे प्रियो, आपको पता है न सिर्फ मुझको और आपको आशीषों और बरकतों की ओर ले जाता है, न सिर्फ आनंद और शांति और भरपूरी की ओर ले जाता है, वो आपको और मुझको परख के लिए भी तैयार करता है। है ना कितनी खूबसूरत बात। जब तक हम और आप स्टूडेंट थे या अभी जो मेरे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि जब तक वो एग्जाम में नहीं बैठते तब तक वो दूसरे क्लास में प्रमोशन को नहीं पाते, वो प्रमोट नहीं हो पाते। यानी एक स्तर आगे बढ़ने के लिए, एक स्टेज और ऊपर होने के लिए, एक लेवल और ऊपर होने के लिए आपको और मुझको, अगर मैं और आप सांसारिक नजरिए से देखें तो हमें परीक्षा का सामना करना पड़ता है। और वो परीक्षा हमारी काबिलियत की जांच होती है। हमें पता चलता है कि हम किस स्तर पर खड़े हैं, हमारे ज्ञान, हमारा सीखना किस स्तर पर आकर रुका है ना, हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। ये बात वो परीक्षा, वो एग्जाम्स हमें बतलाते हैं। वैसे ही मेरे प्रियो, मेरे और आपकी जिंदगी में, हमारे आत्मिक जीवन में भी होता है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर का वचन मेरे और आपके सामने आता है मेरे प्रियो, वो आपको और मुझको परखता है, वो मुझको और आपको परख के लिए तैयार करता है। और इसीलिए पतरस की पत्री में पतरस लिखते हैं कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, सिर्फ विश्वास नहीं, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। और परखा हुआ विश्वास वचन के अनुसार आग से ताए हुए सोने के समान होता है। जी हाँ, जिसका जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले किया कि वो इतना खरा होता है, वो इतना शुद्ध होता है, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसी तरह मेरे प्रियो, मेरी और आपकी वैल्यू परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब मैं और आप उस परखे हुए विश्वास से होकर निकलते हैं। हमारा विश्वास सिर्फ विश्वास नहीं रह जाता, हमारा विश्वास सिर्फ कहने की बात नहीं रह जाती, वो एक परखा हुआ विश्वास बन जाता है। परखा जाना यानी परमेश्वर के वचन पर, वचन के अनुसार हमारे जीवन का परखा जाना, हमारे विश्वास का परखा जाना। और वचन में इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बहुत ही क्या है, सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हमने तो सोने की बात की है ना कि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में मेरे प्रियो, मेरा और आपका परखा हुआ जो विश्वास है वो सोने से भी बहुत ज्यादा बहुमूल्य है, परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है। तो जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझको एक खूबसूरत उपाधि देता है ना, एक खूबसूरत नाम से हमें और आपको नवाजता है, और वो है विश्वासी। मैं और आप विश्वासी कहलाते हैं, है ना। एक डॉक्टर डॉक्टर कहलाता है क्योंकि उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, उसने मेडिकल की पढ़ाई की है, उसने अपना वक्त दिया है, उसने वो मेहनत की है। और एक समय आता है जब उसे वो ओहदा मिल जाता है। वैसे ही मेरे प्रियो, मेरे और आपकी जिंदगी में भी विश्वास जब हम करना शुरू करते हैं तो हम विश्वासी बनते हैं। और ये विश्वासी होना जो है वो हर स्तर पर आगे बढ़ता ही चला जाता है। और एक समय वो आता है कि मेरा और आपका विश्वास जो होता है वो परखे हुए विश्वास में बदल जाता है। अगर मैं और आप रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 17 पद को देखेंगे, एक बहुत ही प्यारी सी बात यहाँ प्रभु का वचन कहता है। प्रभु का वचन कहता है क्योंकि इसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा कि लिखा है कि धर्मी मनुष्य विश्वास से जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितनी प्यारी बात लिखी है ना। धार्मिकता क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से है और विश्वास के लिए प्रकट होती है। परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता आपको और मुझको दी है मेरे प्रियो कि हम विश्वास रखें, और न सिर्फ विश्वास करें मगर विश्वास का प्रकटीकरण भी करें, विश्वास को प्रकट भी करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और जब मैं और आप परखे हुए विश्वास में आ जाते हैं, वो एक बहुत ही खूबसूरत स्टेज होता है मेरे और आपके जीवन में।
और अगर मैं और आप विश्वास की बात करें तो बहुत तरीके के विश्वास होते हैं ना। एक विश्वास वो होता है जब हम किसी की बातों को सुनते हैं, हम गवाहियों को सुनते हैं, हमारे अंदर भी एक विश्वास उत्पन्न होना शुरू होता है ना। हम उस बात पर विश्वास करना शुरू करते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना शुरू करते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम यीशु पर विश्वास करते हैं। वो एक विश्वास है। जब हम कुछ मांगते हैं हमें मिल जाता है, हमने प्रार्थना की उसे, हमने अपनी अपने हाथों में हम उन चीजों को पाते हैं, अपने जीवन में हम उन बातों को पाते हैं, तब हम विश्वास करना शुरू करते हैं, तब हम विश्वास करते हैं। और ये विश्वास की शुरुआत हो सकती है। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, अगर मैं और आप मत्ती उसकी 20 अध्याय उसके 29 पद को पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 29 लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देख कर विश्वास किया है, पर धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। यानी देख कर पाने के बाद विश्वास करना, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर हमने किसी गवाही को सुना और हमारे विश्वास की उन्नति होती है, जब हम किसी की किसी से वचन सुनते हैं हमारे विश्वास की उन्नति होती है, किसी की बातें सुनते हैं या हम उस चीज को अपने जीवन में प्रार्थना के द्वारा पा लेते हैं, तब हमारे जीवन में विश्वास की उन्नति होती है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम गवाही के द्वारा विश्वास करें, हम लोगों की काउंसलिंग के द्वारा विश्वास करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात यह है मेरे प्रियो कि वो विश्वास मेरे और आपकी जिंदगी में जड़ पकड़ना चाहिए, वो बना रहना चाहिए। एक स्थिर विश्वास के बारे में है ना, उस विश्वास का बना रहना मेरे और आपके जीवन में बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो परमेश्वर का वचन इसीलिए आपसे और मुझसे एक समय आने पर है ना, एक परिपक्वता की उम्मीद, एक मैच्योरिटी की उम्मीद हम किसी से एक वक्त आने पर करते हैं, वैसे मेरे और आपकी आत्मिक जिंदगी में भी होता है मेरे प्रियो। क्योंकि वचन आपको और मुझको कहता है कि हम हमेशा बालक बने नहीं रह सकते है ना। आपको और मुझको सयाने भी होना होगा वचन के अनुसार, परिपक्वता की ओर जाना भी होगा मेरे प्रियो। और वो परिपक्वता, वो मैच्योरिटी मेरी और आपकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन लेकर के आता है और आपको और मुझको उस परखे हुए विश्वास के स्टेज पर लेकर के जाता है, जहां पर वचन के द्वारा मैं और आप अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है अगर विश्वास की बात मैं और आप करें और परखे हुए विश्वास की बात करें, तो एक बहुत ही प्यारी सी बात मेरे और आपके सामने आती है। अगर मैं और आप उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय उसके 13 और 15 को, 13 से लेकर 15 तक अगर मैं और आप पढ़ेंगे, कब मेरा और आपका विश्वास मेरे प्रियो एक परखा हुआ विश्वास बन जाता है। क्या इसकी इसकी बात कोई मनुष्य आपसे और मुझसे कहेगा कि हाँ आपका विश्वास परखा हुआ विश्वास है, या कोई मनुष्य इसका सर्टिफिकेट आपको और मुझको देगा कि आपका विश्वास परखा हुआ विश्वास है? आपको और मुझको एक खूबसूरत सी बात परमेश्वर के वचन में मिलती है। जी हाँ, वचन ही है मेरे प्रियो जो आपको और मुझको ये बात बताएगा कि मैं और आप परखे हुए विश्वास से होकर गुजर रहे हैं, या मेरा और आपका विश्वास एक परखा हुआ विश्वास है। तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगर सवाल हमारे मन में कोई उठता है तो ऐसा कोई भी सवाल नहीं है मेरे प्रियो जो परमेश्वर के वचन के अंदर आपको और मुझको नहीं मिलता, बशर्ते मैं और आप उससे खोजें, ढूंढें, सुने, पढ़ें और उसे अपने दिल में रखें। उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय उसके 13 से 15 यहाँ लिखा हुआ है, 13 अध्याय में, और देखो यहुआ उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहुआ तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ, और जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल की किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम, पूरब, उत्तर और दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और देख, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा।
मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। ये एक खूबसूरत सा वायदा परमेश्वर याकूब से कर रहे हैं जब वो अपने घर से भागे चले जा रहे हैं, किसके डर से? एसाव के डर से। और उस डर के माहौल में जब वो चले जा रहे हैं तो परमेश्वर उनसे मिलता है और उनसे कुछ वायदा करता है, उनके सामने कुछ वायदों को रखता है, अपने वचन को रखता है याकूब के सामने। और जब मैं और आप इसी उत्पत्ति की पुस्तक उसके 32 अध्याय उसके 10 और 12 को पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 10 और 12, यहाँ लिखा है, तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं कि मैं जो अपनी लाठी लिए हुए ही इस यर्दन नदी के पार उतर आया और अब मेरे दो दल हो गए हैं, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य नहीं हूँ। देखिए याकूब कितनी खूबसूरत बात कह रहे हैं ना, एक गवाही है यहाँ उनके पास। गवाही हम प्रभु के लोगों के पास जरूर होती है ना, और एक गवाही यहाँ पर दे रहे हैं याकूब, और वो ये दे रहे हैं कि मैं क्या सिर्फ एक लाठी लेकर के निकला था अपने घर से, अपने माँ बाप के घर से, अपने लोगों के बीच में से मैं सिर्फ एक लाठी लेकर के निकला था। अब याकूब कहते हैं कि मेरे दो दल हो गए हैं, यानी एक बहुत ही बड़ा भरा पूरा परिवार, परमेश्वर के नाम की महिमा, उनकी धन संपत्ति भी थी, उनके पशुधन भी उनके साथ चल रहा था, यानी परमेश्वर ने उन्हें बहुत आयत से आशीषित किया था। आज शायद मेरे और आपके पास मेरे प्रियो कुछ भी ना हो, या शायद हम बहुत ही थोड़ी सी चीज को देखकर परमेश्वर को कह रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ ये है प्रभु, क्या मेरे जीवन में कोई काम होगा? लेकिन परमेश्वर ने अगर आपके सामने किसी वचन को रखा है मेरे प्रियो, आप उसे जरूर थामें और उसे याद रखें, है ना, क्योंकि परमेश्वर के वचन को याद रखना ना मेरे और आपके विश्वास में उन्नति देता है मेरे प्रियो, मेरे और आपके विश्वास को बढ़ाता है मेरे प्रियो। और यहाँ पर याकूब कह रहे हैं कि मैं अकेला था, मैं सिर्फ एक लाठी के साथ निकला था परमेश्वर, लेकिन आज के समय में मेरे दो दल हो गए। ये वो वायदा है परमेश्वर जो तूने मुझसे किया था कि मैं तेरे वंश को आकाश के बालू के किनकों के समान कर दूंगा, है ना। जब मैं और आप देखते हैं 15 में कि मैं तेरे संग संग रहूंगा, है ना, और 14 में लिखा है और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे, और वचन कहता है और तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बढ़ाऊंगा मैं, है ना। और उसी बात को याकूब परमेश्वर के सामने दिखा रहे। जब वचन मेरे और आपके पास आता है मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को ना सिर्फ सुने मगर उसको थाम लें, है ना। परमेश्वर का वचन जब आपके पास आता है, यशया की पुस्तक में लिखा है कि वो भूमि पर जब पड़ता है तो फलवंत होता है, वो यूं ही लौटता नहीं है, है ना। जैसे बारिश की बूंदें जब धरती पर पड़ती हैं तो वो भूमि को सींच करके रहती हैं, है ना, वो सिर्फ भाप बनकर उड़ नहीं जाती मगर वो सींचती है भूमि को ताकि वो भूमि तैयार हो जाए खेती के लिए, अन्न उपजाने के लिए। वैसे परमेश्वर का वचन है। अगर आज परमेश्वर का वचन आपके पास आता है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को हम थामना सीखें, जी हाँ, उसे ग्रहण करना सीखें, उसे रिसीव करें अपनी लाइफ के अंदर में, जैसे याकूब ने बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में थाम लिया मेरे प्रियो। और जब उसके जीवन में वो अपने इतने बड़े दल को देख रहा है, पशु धन है, धन संपत्ति की कमी नहीं है, तो उसी बात को वो अपने परमेश्वर के सामने दोबारा रखता है कि परमेश्वर आज मेरे दो दल हो गए हैं। और पद 12 में लिखा है और तूने कहा है कि मैं निश्चय ही तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र के बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो वायदा जो अपने मामा लाबान के घर में जाने से पहले परमेश्वर ने याकूब के सामने रख दिया था, कितनी खूबसूरत बात है ना, कि उस वायदे को यूसुफ भूल नहीं गए, जबकि हालात देखिए कुछ और हैं। पद 11 में लिखा हुआ है
मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से छुड़ा। मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो आकर मुझे और माँ समेत बच्चों को भी मार डाले। हालात एकदम अपोजिट हैं, है ना, हालात विपरीत हैं। एसाव मिलने चला आ रहा है, और मिलने आ रहा है तो कैसे आ रहा है, बहुत सारे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 400 लोगों को लेकर के एसाव चले आ रहे थे। और देखिए, जब कोई किसी से मिलने जाता है ना, तो 400-500 लोगों का दल लेकर के नहीं जाता, या 100 या 50-60 लोगों की सेना लेकर के नहीं जाता, है ना। जब हम किसी से मिलने जा रहे हो, खासकर अपने 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 भाई के साथ, निज भाई के साथ, तो वहां अपना परिवार जरूर हो सकता है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं बहुत बड़े दल के साथ एसाव आ रहे हैं। यानी उनका इरादा किसी मेल मिलाप का नहीं है, इनका इरादा सिर्फ और सिर्फ उस सोच को पूरा करने का है जो उस वक्त उन्होंने सोचा कि जब मेरे पिता इसहाक की मृत्यु हो जाएगी तो मैं याकूब को भी मार डालूंगा। जब उन्होंने उनकी आशीषों को ले लिया, तब एसाव उसी फिराक में रहने लगे कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं याकूब को उसका बदला मैं उससे ले लूं, है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं एसाव बड़े दल बल के साथ आ रहे हैं, और उस बात से याकूब जो है डरे हुए हैं, है ना, परेशान है। और वचन कहता है कि मेरे भाई एसाव के हाथ से मुझे छुड़ा, मैं तो उससे डरता हूं। जी हाँ, डर, हालात, परिस्थितियां जब हमारे सामने आती हैं तो हम क्या होते हैं, डर जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, है ना। लेकिन यही वो वक्त है मेरे प्रियो, जहां पर याकूब परमेश्वर को अपने उसी बात को जो परमेश्वर ने उनके सामने रखी थी, उस बात को वो याद कर रहे हैं, है ना, कि अगर परमेश्वर तूने मुझसे कहा है कि तेरा वंश बालू के किनकों के समान होगा, समुद्र के बालू के किनकों के समान होगा, चारों दिशाओं में तेरे लोग भर जाएंगे, अगर परमेश्वर तूने ये कहा है। लेकिन आज हालात कुछ और हैं। शायद हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है कि जब हमारे सामने हालात कुछ और होते हैं, है ना, और वो विपरीत परिस्थितियां क्या होती हैं, हमें अविश्वास की ओर ले जाती हैं, हमें संदेह की ओर ले जाती हैं। यही वो वक्त होता है जहां शैतान आपके और मेरे सामने कुछ बातों को रखता है कि देखो, तुम्हारे परमेश्वर ने तो तुमसे ये कहा था, पर तुम्हारे जीवन में आज ये है, तुम्हारे परमेश्वर ने तुमसे वायदा किया तुम्हें ऊंचा उठाने का, आज तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, आज तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है, आज तुम्हारे पास घर नहीं है, आज तुम्हारे पास ये और वो नहीं है, है ना। ये वो हालात होते हैं मेरे प्रियो, लेकिन वचन में परखा हुआ विश्वास वही है जो हालात को पीछे रख कर हम परमेश्वर के वचन को थामते हैं। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को मैं दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। तो कितनी खूबसूरत बात याकूब के जीवन में मैं और आप देखते हैं मेरे प्रियो, कि किस तरह से परमेश्वर के वचन को वो अपनी जिंदगी में याद रखते हैं, है ना, और वो वचन जो है उनको सामर्थ्य दे रहा है, उनको बल दे रहा है, उन परिस्थितियों में, उन अपोजिट जो सारी सिचुएशन है उनके सामने बिल्कुल विपरीत है, उनको सामना करने की नौबत आ चुकी है इस वक्त अपने भाई के साथ। लेकिन परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने उस वचन को याद रखा। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत सी गवाही इसी से संबंधित मेरे जीवन में भी आई। एक समय ऐसा आया, आज से 2-3 साल पहले मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज हुए और मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं सोचती थी कि परमेश्वर ये हेल्थ इश्यू क्यों है मेरे जीवन में, मैं तो तेरी बेटी हूँ, तेरी चुनी हुई दासी हूँ, तूने मुझको चुना है कि मैं तेरी सेवा निभाऊं। मेरे परमेश्वर, मैं क्या लेकर तेरे लोगों के पास जाऊंगी, मैं क्या कहूंगी उनको, इस दुर्बलता में अगर मैं पड़ी हुई हूँ मेरे परमेश्वर, मैं उनको कैसे सांत्वना दूंगी, मैं उनको कैसे कहूंगी कि तू प्रभु पर, कि आप प्रभु के वचन पर विश्वास कीजिए। और मैं ये बोलकर अपने परमेश्वर के सामने रोई, मैंने कहा प्रभु तू ही मुझको बता कि मैं क्या करूं। और जब मैं बाइबल पढ़ने बैठी और जब मैंने बाइबल पलटा, परमेश्वर ने एक वचन मेरे सामने रखा, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसके 15 पद को, वहां लिखा है, मैं तुम में से हर एक रोग को दूर करूंगा, और जो बुरी रोग और व्याधियां मैंने मिस्रियों पर भेजी हैं
उनमें से एक भी तुमको नहीं लगने दूंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर से जब आप मांगते हैं, प्रभु आपको उत्तर देने वाला प्रभु है। और वो उत्तर मैंने पाया जब मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर के आगे मैं रोई और मैंने कहा कि ये लेकर मैं नहीं चल सकती परमेश्वर, ये तकलीफ लेकर मैं नहीं चल सकती प्रभु, तू मुझे छुटकारा दे। और परमेश्वर ने अपने वचन को मेरे सामने भेज दिया मेरे प्रियो। और हालात अलग थे, मगर परमेश्वर का वचन अब मेरी जिंदगी में आ चुका था। मेरे परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से मुझसे बातें की अपने वचनों के द्वारा, और उस दिन से मैंने उस वचन को अपने जीवन में थाम लिया मेरे प्रियो। मेरे जीवन में मैंने ग्रहण किया, मेरे शरीर के अंदर में उसे मैंने ग्रहण किया। और परमेश्वर ने उस दुर्बलता से, उस हेल्थ इश्यू से मुझे पूरी रीति से आजाद कर दिया। तो परमेश्वर को मैं दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। तो ये है मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में परखे हुए विश्वास का परिणाम, उसका प्रतिफल। यानी मेरे प्रियो, जब आपका और मेरा प्रभु मेरे और आपके सामने अगर किसी वचन को रखता है, तो वो मेरे लिए और आपके लिए हर परिस्थितियों में आपके और मेरे लिए जयवंत होने का कारण है। हम कभी भी परमेश्वर के वचन को हल्के में ना ले मेरे प्रियो, क्योंकि मेरे और आपकी जिंदगी का जो आधार है वो परमेश्वर का वचन ही है। और इसीलिए परमेश्वर के दास एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं, और वो कहते हैं, परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा मैं जिलाया गया हूँ, तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर ने मुझे मेरे वचन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा मुझको छुटकारा दिया, मुझको आजाद किया। और आज भी मैं परमेश्वर के उस वचन को थामे हुए हूँ। मैं प्रतिदिन इस वचन को बोलती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जैसा वचन कहता है कि धर्मी जन के ऊपर क्या होता है, 7 बार भी वो गिरकर, 7 बार विपत्तियां पड़ती हैं ना धर्मी जन पर, बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। कभी बाइबल आपको और मुझको ये बात नहीं कहती मेरे प्रियो कि आप यीशु मसीह के साथ हैं तो आप बस, अब आपके पास कोई रोग नहीं है, आपके पास कोई बीमारी नहीं है, आपके पास कोई परीक्षाएं नहीं है, आपके पास कोई समस्याएं नहीं है, आपके पास कोई फिक्र नहीं है, ऐसा बाइबल नहीं कहती है ना। मगर वचन कहता है, यीशु मसीह ने कितनी प्यारी सी बात मेरे और आपके सामने रखी। प्रभु ने कहा कि संसार में तो तुम्हें क्लेश होगा, क्योंकि मैं और आप कोई खूबसूरत से जगत में नहीं रहते मेरे प्रियो। हम और आप उस जगत में रहते हैं, उस संसार में रहते हैं, जहां शैतान का काम भरी बड़ी भरपूरी के साथ होता है ना। और नूह के जमाने के समान आज का जमाना हो गया। जब परमेश्वर ने नूह के जमाने में पृथ्वी पर दृष्टि की, तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने एक ही चीज पाई, और वो ये कि मनुष्य के दिल में जो भी आता है वो क्या होता है? बुरा ही उत्पन्न हो रहा है। आज भी मेरे प्रियो, मनुष्य के दिल में जो भी आ रहा है मेरे प्रियो, वो बुराई ही को लेकर के आ रहा है। बुराई ही सोचते हैं वो, बुराई ही के विचार आते हैं उनके मनों में, है ना। तो मेरे प्रियो, ये जो परमेश्वर का वचन है आपको और मुझको क्या करता है? थामता है मुझको और आपको, तैयार करता है उस वक्त के लिए, तैयार करता है जब मैं और आप परेशानी में आ जाते हैं, जब मैं और आप परीक्षा में आ जाते हैं, जब मैं और आप किसी किस्म की शारीरिक दुर्बलता में आ जाते हैं, है ना। वचन कहता है धर्मी जन 7 बार गिरकर भी उठ खड़ा होगा, है ना। धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, पर यहोवा परमेश्वर उनको उन सब से छुड़ाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा। ये पिता का वचन आपको और मुझको कहता है। तो जब मैं और आप विश्वास का प्रकटीकरण परमेश्वर के सामने करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में थाम लेते हैं मेरे प्रियो, और परिस्थितियां चाहे कुछ भी कह रही हो, वो कह रही है तुम बीमार हो, वो कह रही है तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, वो कह रही है तुम्हारे जीवन में अशांति है, तुम्हारे परिवार में क्लेश है, तुम्हारे परिवार में बच्चे तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, अगर ये सारी परिस्थितियां मेरे और आपके सामने आ रही है मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि मैं और आप अपने परमेश्वर के वचन को थामे। जी हाँ, जब मैं और आप अपने परमेश्वर के वचन को थामते हैं, परिस्थितियां कुछ और कहती हैं, हालात कहते हैं संभव न होगा, मगर वचन कहता है कि धोखा नहीं होगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब मैं और आप अपने प्रभु के वचन को थामते हैं मेरे प्रियो, शैतान की पकड़ हमारे जीवन से, हमारे शरीर से,
हमारे आत्मिक जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे कार्य क्षेत्र से उसकी पकड़ जो है वो ढीली होनी शुरू हो जाती है। और जब हम परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से हर हाल में अपने जीवन में थामते हैं और पकड़ कर कहते हैं कि बस आज मेरे प्रभु ने मुझे ये वचन दिया है, मैं इसी को थामूंगी, मैं इसी वचन को थामूंगा, बस मेरे प्रियो जहां वचन है वहां छुटकारा है, वहां आजादी है, वहां शांति है, वहां भरपूरी है, वहां चंगाई है, वहां प्रशस्तता है, वहां जयवंत जीवन है। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो देखिए, कभी कभी जब हमें और आपको परीक्षाओं में पढ़ना पड़े, यानी वो परीक्षाएं नहीं जो हम खुद ले आते हैं अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होकर के, या परमेश्वर की बातों के से अलग होकर, विचारों से अलग होकर, जिसको विद्रोह करना कहते हैं, है ना, विद्रोह के कारण आने वाली परीक्षाओं की बात मैं नहीं कर रही हूं, मगर मैं उन परीक्षाओं की बात कर रही हूं जहां पर मैंने और आपने अपने विश्वास का प्रकटीकरण किया है लोगों के सामने, है ना। शैतान आपको कहेगा तुम तो विश्वास करते हो तो तुम्हारे जीवन में ऐसी चीजें कैसे हो सकती हैं, तुम तो विश्वासी हो, तुम तो यीशु को ग्रहण कर चुके हो, तुम तो यीशु मसीह के मानने वाले लोगों में से हो, तो तुम्हारे जीवन में ये बातें कैसे हो सकती हैं, तुम्हारे शरीर में कैसे हो सकती हैं, तुम्हारे परिवार में कैसे हो सकती हैं, तुम्हारे घर में कैसे हो सकती हैं, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में कैसे हो सकती हैं। जी हाँ, कैसे हो सकती हैं, यही शैतान का सवाल होता है। मगर मेरी प्रियो, ये बात अब हम कहना शुरू करेंगे कि ये बातें मेरे जीवन में भला कैसे रह सकती हैं, कि क्योंकि मैं प्रभु की बेटी हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैंने प्रभु के वचन को थामा है, यीशु ने जो वचन मुझसे कहे, अगर उसने कहा है कि मैं तुम्हें प्रशस्त करूंगा, मैं तुम्हें जयवंत से भी बढ़कर बनाऊंगा, तो आपको और मुझको वो जयवंत से बढ़कर बनाएगा। अगर वो मुझको और आपको कहता है कि वो मुझे और आपको हरी हरी चराइयों में ले चलेगा, तो यकीन मानिए वो आपको और मुझको हरी हरी चराइयों में ले चलेगा। तो अगर वचन ये कहता है कि जवान सिंह तो भूखे रह जाएंगे पर यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, तो ये आपको और मुझको थाम लेना है मेरे प्रियो कि जी हाँ, जवान सिंह भूखे रह जाने वाले हैं, जो बल का प्रतीक है मेरे प्रियो, जो बल का प्रतीक है वो भूखे रह सकते हैं, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। ये परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रियो। इसीलिए हालात मेरे और आपके जीवन में आज कुछ भी कह रहे हो मेरे प्रियो, आपको और मुझको किसी भी ओर दिखा रहे हो, किसी भी ओर में मुझको और आपको इशारा कर रहे हो, लेकिन बेहद जरूरी है कि हम अपने परमेश्वर के वचन को थाम लें, याकूब के समान उस वायदे को याद करें। याकूब के समान मैं समझती हूँ कि हर वक्त मेरे ख्याल से, मैं, ये मेरा विश्वास है कि याकूब जब परमेश्वर के वचन को उन्होंने पाया, तो लाबान के घर में आने से लेकर लाबान के घर से निकलने तक वो निरंतर परमेश्वर के वचन को याद रखते रहे। ये मैं समझती हूँ ऐसा, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में वचन को थामेंगे नहीं मेरे प्रियो, जयवंत जीवन हम जी नहीं सकते। हमारा विश्वास, परखा हुआ विश्वास तब होता है जब विपरीत परिस्थितियां होती है हमारे सामने, लेकिन हम कहते हैं कि मुझे तो मेरे प्रभु ने एक वायदा दिया है, मैं तो बस उसे ही थामने जा रही हूँ, मैं तो बस उसे ही थामने जा रहा हूँ, और वो मेरे और आपके जीवन में काम करना शुरू करते हैं मेरे प्रियो। जब हम प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं तो वो कभी ना डगमगाने वाला विश्वास बन जाता है। आपको पता है परमेश्वर के वचन की खूबसूरती क्या है मेरे प्रियो, क्यों प्रभु का वचन मेरे और आपके जीवन के लिए बेहद बेहद जरूरी है? क्योंकि न सिर्फ प्रभु का वचन आपको और मुझको विश्वास करना सिखाता है, न सिर्फ हमारे विश्वास को बढ़ाता है, न सिर्फ हमारे विश्वास में स्थिरता उत्पन्न करता है ना, हमें हमारे विश्वास को स्थिरता प्रदान करता है परमेश्वर का वचन। जब जब वचन हमारे सामने होते हैं और परिस्थितियां हमारे सामने होती है और तब हम प्रभु के वचन की ओर देखते हैं, तब हमारे विश्वास को क्या होता है, प्रभु गिरने से रोकता है, प्रभु का वचन गिरने से, डगमगाने से रोकता है। तो परमेश्वर का वचन जो है मेरे प्रियो, मेरे और आपके विश्वास को बढ़ाता है, न सिर्फ बढ़ाता है बल्कि उसको स्थिर रखता है,
पर साथ ही साथ वो हमारे विश्वास की सुरक्षा भी करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, है ना। तो वचन के द्वारा हमारे विश्वास का बढ़ना, वचन के द्वारा विश्वास का होना, उसका बढ़ना, उसका स्थिर रहना, और फिर उसका मेरे और आपके जीवन में सुरक्षा प्रदान किया जाना, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा ही संभव है मेरे प्रियो। जब तक हम पिता के वचन को थामेंगे नहीं, प्रभु के वचन को जानेंगे नहीं, आज ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम प्रभु के लोग परमेश्वर के वायदों को नहीं जानते, परमेश्वर की कही हुई बातों को नहीं जानते, और इसीलिए हम संसार में किसी की भी बातों में आकर कुछ भी करने लगते हैं। लेकिन प्रभु का वचन आपको और मुझको एक बात कहता है मेरे प्रियो, वो जो हवा के बयार से उछाले जाते हैं यहाँ वहां, है ना, यानी अविश्वास, विश्वास में अस्थिरता, संदेह से भरा हुआ जीवन, वो ये ना सोचें कि उन्हें प्रभु से कुछ भी मिलेगा। जी हाँ, अगर प्रभु की अपने जीवन में मेरे प्रियो हम अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं, अपने जीवन में छुटकारा देखना चाहते हैं, तो आपको और मुझको अपने परमेश्वर के वचन को थामना बहुत जरूरी है, उसे याद रखना बहुत जरूरी है, उसे प्रतिदिन अपने होठों से कहना बहुत जरूरी है, और दिन भर में आप जितनी बार परमेश्वर के वचन को बोलेंगे आपके विश्वास में उतनी ही ज्यादा बढ़ोतरी और उन्नति होती चली जाएगी। मेरे प्रियो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। याकूब की पत्री उसके एक अध्याय उसके 12 पद में एक बहुत ही खूबसूरत सी बात लिखी है। यहाँ लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रेज द लॉर्ड, कितनी प्यारी बात है ना। परमेश्वर का वचन कहता है परीक्षा में खरा निकलकर, है ना, परीक्षा में स्थिर रहना, और स्थिरता ही हमारे जीवन में खरेपन को लेकर के आती है, जैसे याकूब स्थिर रहे। हालात कुछ और हैं, ऐसा दल बल लेकर के लड़ने और झगड़ने आ रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर को वायदा याद दिला रहे हैं, प्रभु तूने कहा है कि तेरे वंश जो हैं वो बालू और समुद्र की बालू के किनकों के समान होंगे। तो कितनी प्यारी बात है ना, बिल्कुल अपोजिट जो हालात हैं, बिल्कुल अपोजिट वचन को, उसके बिल्कुल विपरीत बात को याकूब अपने जीवन में अंगीकार कर रहे हैं। वो बात कोई मनुष्य की नहीं है, वो बात किसी बड़ी बड़ी बातों ही करने वालों की नहीं है, वो बात परमेश्वर की है मेरे प्रियो, वो वचन प्रभु का है मेरे प्रियो, है ना। और प्रभु का वचन निज में और आप में जीवन को लेकर के आता है, हमें अधार्मिकता से छुड़ाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा। और वचन कहता है कि जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्यों, और इसीलिए वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। परमेश्वर आपको और मुझको जीवन का मुकुट देने जा रहा है मेरे प्रियो, मगर उसके लिए वो खराई मेरे प्रियो मेरे और आपके जीवन में होनी चाहिए, होनी होगी, जिसकी गवाही पता है कोई मनुष्य दे या ना दे, पर परमेश्वर जरूर देगा। जैसे अय्यूब के बारे में है ना, परमेश्वर ने कहा वो खरा मनुष्य है, उसकी मेरी और आपकी गवाही कोई मनुष्य नहीं देगा। मेरे प्रियो, मेरी और आपकी गवाही हमारा परमेश्वर दे देगा कि मेरी ये बेटी देखो कितनी खरी है, मेरा ये बेटा देखो कितना खरा है, क्योंकि ये परीक्षा में भी क्या रहा, स्थिर रहा। और ये स्थिरता कहाँ से आती है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को थामने के द्वारा आती है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने के द्वारा आती है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हमारा परमेश्वर जो है मेरे प्रियो, कभी भी अविश्वास से भरी हुई जिज्ञासा को शांत नहीं करता, है ना। हम कई बार कभी कभी सोचते हैं कि अगर प्रभु है, यीशु मसीह है, वो तो सब कुछ कर सकता है, तो उसने ये क्यों होने दिया, उसने वो क्यों होने दिया, वो ऐसे क्यों होने दे रहा है, आज वो हालात बदल क्यों नहीं देता, वो ये क्यों नहीं कर देता, है ना। वो वचन कहता है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा में देरी नहीं करता, और आपको और मुझको जो देने का वायदा उसने किया है, वो उसकी प्रतिज्ञा उसने की है, और उस प्रतिज्ञा के अनुसार वो मेरे और आपके जीवन में काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, है ना।
तो वो अशांत से भरी हुई जिज्ञासा को कभी शांत नहीं करता, वो प्रभु नहीं है कि उल्टी सीधी जिज्ञासाओं को शांत करने बैठेगा। मगर जब मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का वचन आता है मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके जीवन में विश्वास को लेकर के आता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, वो तो सिर्फ अपने नाम पर विश्वास करने वाले, उस पर स्थिर रहने वालों के जीवन में काम करता है और उनके जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को वो पूरा करता है। परमेश्वर को मैं दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। जीवन में आश्चर्य कर्म देखना है तो परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में रखना, उस पर विश्वास करना, न सिर्फ विश्वास करना मगर उसे अपनी जिंदगी में रोजाना प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जरूर मेरे और आपके जीवन में खूबसूरत बातें, आश्चर्य कर्म, जैसे आज मैंने आपके सामने गवाही रखी, जरूर प्रभु आपको और हम सबको एक बहुत खूबसूरत गवाही बना देगा। और उस खरेपन की गवाही मेरा और आपका प्रभु खुद देगा मेरे प्रियो, तो ये भला कौन नहीं चाहता। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 12 पद में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो जो मुझ पर विश्वास रख करता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा और वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो मुझ पर विश्वास रखता है वो क्या करेगा, जो काम मैं कर रहा हूं उसे वो भी करेगा मगर इनसे भी बड़े बड़े काम वो करेगा। तो परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी में मेरे प्रियो बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है, बहुत बड़े बड़े काम करने जा रहा है, मगर एक ही बात है जो मुझको और आपको करनी है और वो ये है कि अपने प्रभु पर विश्वास करें मेरे प्रियो। मेरा और आपका विश्वास वो परखा हुआ विश्वास बन जाए मेरे प्रियो, जो मेरे और आपकी जिंदगी में परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर के लिए परमेश्वर के होठों से एक गवाही को निकालती है। जैसे नूह के विषय में धर्मी कहा परमेश्वर ने, अय्यूब के विषय में कह दिया कि कैसा खरा मनुष्य है ये, है ना, वैसी ही गवाही मेरे प्रियो मेरे और आपके परमेश्वर के होठों पर मेरे विषय में होंगी और आपके विषय में होंगी, और वो मेरे और आपके जीवन में जो काम उसने किए हैं इससे भी बड़े बड़े काम रखने जा रहा है, वो करने जा रहा है। बस हम बड़े विश्वास के साथ अपने परमेश्वर के वचन को थामें, उस विश्वास को परखे हुए विश्वास के स्तर पर हम लेकर चलें। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष देने जा रहा है। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद दे लेकर आपके सम्मुख आती हूँ पिता, इस खूबसूरत शाम के लिए, तेरे वचन के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवन में रखा पिता। सचमुच हमारा विश्वास आज की दशा में, आज की जिंदगी में एक परखा हुआ विश्वास बने प्रभु, जिसके द्वारा पिता तेरे नाम की महिमा होती है प्रभु, और हमारी जिंदगी में एक खूबसूरत काम होता है पिता। हम उन बातों को अपनी आंखों से देख सकते हैं प्रभु, उस विश्वास में पिता जो तूने हमारे जीवन में प्रतिज्ञाएं रखी हैं, हाँ और आमीन के साथ प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता। हमें से हर एक के मन को प्रभु, विचारों को प्रभु अपनी उपस्थिति से भरिए, अपने वचन से भरिए, ताकि हमारे विश्वास की परख के लिए हमारे विश्वास की सुरक्षा हो पिता। तेरे वचन के द्वारा हम तेरे नाम की महिमा करने पाए मेरे प्रभु। सारी तारीफ प्रशंसा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से विनती प्रार्थना निवेदन मांगती हूँ। आमेन आमेन। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दें।